हाँ जी बेटा, येस्टरडे जो है हमने मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी की थी। मैंने आपको एग्जांपल भी बताया था कि सपोज इफ आई वांट टू जो है मेरे पास टेक आउट टू कार्ड्स एट ए टाइम फ्रॉम द 52 कार्ड्स, तो हमने क्या किया था, हमने बेटा वहां पर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के साथ साथ प्रोडक्ट लगाया था। ठीक है, उसमें क्या किया था कि अगर दो कार्ड्स निकालने हैं B1 B2, तो मैंने कहा था पहले B1 निकाला, अब मैंने B2 कैलकुलेट करना है कि प्रोवाइडेड B1 निकल चुका। हमने ये मल्टीप्लिकेशन जो है प्रोबेबिलिटी थ्योरम से लर्न किया था। अब आगे बेटा हमने जो है ऐसे ही थ्री कार्ड्स, मान लीजिए मैंने थ्री कार्ड्स निकालने हैं विदाउट रिप्लेसमेंट, मैंने रिप्लेस नहीं करना है उसको बेटा, तो हम लोग कैसे करेंगे। फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट टू कार्ड्स आर किंग एंड द थर्ड कार्ड ड्रॉन इज एन एस। मेरे पास जो है पहले दो कार्ड्स किंग निकले और थर्ड कार्ड एस निकले, मेरे पास K1 K2 और थर्ड कार्ड एस निकले, तो कैसे करेंगे। सबसे पहले प्रोबेबिलिटी K1 की, ठीक है, इनटू प्रोबेबिलिटी जो है K2 की, प्रोवाइडेड K1 हो चुका है। अब प्रोबेबिलिटी एस की, प्रोवाइडेड K1 K2 जो है वो निकल चुका है। ठीक है बेटा, क्लियर। अब प्रोबेबिलिटी किंग निकल चुका है, किंग निकालना है, तो किंग कितने होते हैं मेरे पास, 4। अब 4 बाय बेटा मेरे पास होंगे 52। अब सेकंड किंग निकालना है, प्रोवाइडेड एक किंग निकल चुका है, तो बेटा 3/51 इनटू एस की प्रोबेबिलिटी लेनी है, प्रोवाइडेड दो किंग निकल चुके हैं, एस तो 4 के 4 ही, 4 के 4 ही रहनी है, और दो किंग्स निकल चुके हैं, यानी टोटल में फर्क पड़ेगा, दैट इज 50। दिस इज माय आंसर। ओके बेटा, क्लियर। ठीक है, ये मैंने मल्टीप्लिकेशन थ्योरम पर बेस्ड आपको बता दिया कि जब एक से ज्यादा भी इवेंट हो सकते हैं तो तब कैसे करना। अब वेरी इंपॉर्टेंट हो गए इंडिपेंडेंट इवेंट्स मेरे पास हो गए। अब इंडिपेंडेंट इवेंट्स, दो इवेंट्स को हम इंडिपेंडेंट इवेंट्स कब कहते हैं बेटा, जब अक्रेंस ऑफ वन जो है दैट विल नॉट इफेक्ट द अक्रेंस ऑफ अदर। सिंपल सी बात, पर ये चेक कैसे करना है मैथमेटिकली, हाउ वी विल चेक दैट टू इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ठीक है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स ये मुझे चेक करना है। ओके बेटा, वेट। हाँ जी बेटा, रियली सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। हाँ जी बेटा, अब बेटा मैं आपको बताने लगी हूँ इंडिपेंडेंट इवेंट्स, वेरी इजी। मैंने आपको ये समझाया कि इंडिपेंडेंट इवेंट्स एक का होने से दूसरे पे कोई इफेक्ट ना पड़े। मैं एग्जांपल बताती हूँ, पंजाब में इलेक्शन हो रही है ना, तो पंजाब के जहाँ स्कूल्स में सेंटर बने हैं वहां पर स्कूल में छुट्टी है या ऑनलाइन क्लासेस लग रही है, उसका जहाँ और किसी स्टेट में अगर मैं कहूँ जहाँ इलेक्शन, अगर मैं मानती हूँ कि नहीं हो, मैं रखूँ आज का डे नहीं इलेक्शन का रखूं, वैसे पॉसिबल नहीं है, एक जगह ही सारे एक ही दिन हो रहे हैं, तो अगर मैं कोई और बात ले लूं कि जहां सेंटर नहीं बने किसी स्कूल में, वहां तो कोई छुट्टी नहीं होगी ना, तो बोथ आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ठीक है, लेकिन मैथमेटिकली हम कैसे प्रूफ करते हैं, अगर दो इवेंट्स हैं वो इंडिपेंडेंट हैं, उनकी इंटरसेक्शन ले तो वो बेटा प्रोडक्ट के इक्वल हो जाती है। ओके बेटा, क्लियर। जब भी दो इवेंट्स होते हैं अगर वो इंडिपेंडेंट है तो उनकी इंटरसेक्शन हमेशा उनके प्रोडक्ट के इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, अगर वो इवेंट्स जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं है तो उनकी इंटरसेक्शन की प्रोडक्ट जो है वो नॉट इक्वल टू हो जाते, ये नॉट इंडिपेंडेंट का। ओके जी, नॉट इंडिपेंडेंट का। ओके बेटा, क्लियर जी, समझ आ गई बेटा। अब बेटा यहां से हम बहुत सारी जो है कंडीशंस आगे निकाल सकते हैं। अच्छा,
ये ना इंडिपेंडेंट का दो इवेंट्स के लिए नहीं, तीन के लिए भी ऐसे ही। अगर मेरे पास ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी हो तो ए इंटू बी इंटू सी ऐसे भी, चार के लिए भी पॉसिबल है, फाइव के लिए भी पॉसिबल है, जितने मर्जी इवेंट्स उनके लिए पॉसिबल। ठीक है बेटा जी, क्लियर। अच्छा, अब कई बार ना कई बच्चे जो है इंडिपेंडेंट और म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स में कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं आपको बता दूं बेटा, इंडिपेंडेंट इवेंट्स प्रोबेबिलिटी के इवेंट्स के लिए होती है, लेकिन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव जो है टर्म, वो इवेंट जब उसके सबसेट्स होते हैं ना उसके साथ कंसिडर होती है। इसीलिए दोनों में कभी भी जो है वो कंफ्यूजन नहीं होना। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मीन्स इंटरसेक्शन जीरो, ये याद रखना। ओके, इंडिपेंडेंट इवेंट्स मीन्स कि मेरे पास दोनों के इंटरसेक्शन ले तो वो प्रोडक्ट के इक्वल। ठीक है, लेट अस डू वन एग्जांपल बेस्ड ऑन दिस। लेट अस सी एग्जांपल 10th बेटा मेरे पास हुआ। एग्जांपल 10th, ओके, अ डाइस इज थ्रोन, मेरे पास एक डाइस फेंका गया। इफ ई इज द इवेंट, द नंबर अपीयरिंग इज अ मल्टीपल ऑफ 3 मेरे पास। ठीक है, अगर जो है 3 पे मल्टीपल, देन ये 3 और 6 ही आएगा ना। ओके, एंड एफ बी द इवेंट, द नंबर अपीयरिंग इज इवन। अब मेरे पास क्या आ गया, इवन, तो दैट मींस 2 4 6। नाउ व्हाट दे हैव रिटन, फाइंड वेदर ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट और नॉट। पहले तो इंटरसेक्शन देखें, ई इंटरसेक्शन एफ मेरे पास हो गए, क्या होगी बेटा दोनों की इंटरसेक्शन, दैट इज 6। ओके, तो अब मेरे पास हो गए, प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ दैट इज 1/6, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, ई जो है वो 2/6, एफ वो जो है वो 3/6। ठीक है, तो मेरे पास हो गए, यहाँ पर कितना बन गया, ये 6 और 6 कट गया, 1/6 आ गए। देखो दोनों इक्वल है, तो दैट मींस इवेंट्स क्या हो गए, इंडिपेंडेंट इवेंट्स हो गए। क्लियर बेटा? ठीक है, ऐसे ही मेरे पास कोई क्वेश्चन हो सकता है जिसमें वो इंडिपेंडेंट ना हो। जैसे एग्जांपल मेरे पास हुए हैं 11th, लेट अस सी एग्जांपल 11th। अब क्या है एग्जांपल 11th में मेरे पास, देखिए, हाँ जी, एन अनबायस्ड कॉइन इज थ्रोन ट्वाइस, दो बार फेंका गया, ऑब्वियस है 36 इवेंट्स होंगे। लेट द इवेंट ए बी जो है ऑड नंबर ऑन द फर्स्ट थ्रो, उसने कहा है कि मैंने वो लेने हैं ए इवेंट में कि ऑड नंबर फर्स्ट थ्रो पे, यानी 1 1 1 के साथ सारे आएंगे, फिर 3 के साथ सारे आएंगे, फिर 5 के साथ सारे आएंगे, एंड बी ऑड नंबर इन द सेकंड थ्रो, पहले में जो मर्जी याद है, अब सेकंड थ्रो में जो है, यानी बी 1 के साथ मेरे पास क्या आएगा, 1 आएगा, 1 के साथ मेरे पास होंगे 3 आएगा, 1 के साथ 5 आएगा। ओके, अब ऐसे ही 2 के साथ 1, ये 3 आएगा, फिर 3 के साथ 1, ये तीनों आएंगे, 4 के साथ 1, ये तीनों आएंगे, 5 के साथ 1, ये आएगा, 6 के साथ 1, ये सारा आएगा। ओके, तो अब बेटा उन्होंने कहा चेक वेदर जो है ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट सेट और नॉट। अब बेटा खुद देखो, मेरे पास जो है, मैं पहले देखो प्रोबेबिलिटी ए की, ये कितने इवेंट्स होंगे, 6 इधर है, 3 इधर है, 3 6 18, तो 18/36। प्रोबेबिलिटी बी की, 3 इधर 6 इधर, ये भी सेम, मेरे पास होंगे 18/36। प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी, हाँ जी, अब दोनों की इंटरसेक्शन, यानी कौन कौन से हमने लेने हैं जिसमें फर्स्ट में भी ऑड आए और सेकंड में भी ऑड आए, फर्स्ट में भी ऑड आए सेकंड में भी ऑड आए, यानी कौन कौन से लेने हैं। देखो 1 1 1 3 1 5, यानी 3 इधर से 3 इधर से 3, मेरे पास इधर से 9 होंगे ना, वो 9 इधर भी होंगे, 3 ये वाले 3 ये वाले 9 ही है, तो दैट मींस
9/36। अब कर लो, मेरे पास जो है प्रोबेबिलिटी ए इंटू प्रोबेबिलिटी बी, दैट इज 18/36। 18/36 ये 1/2, 1/2, 1/4, ये 1/4 मेरे पास जो है। तो क्लियर कट है जो है, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो दैट मीन्स ए एंड बी क्या है मेरे पास, जो है इंडिपेंडेंट इवेंट्स। यही प्रूफ करना था। अभी तक हमने यही बेस पे क्वेश्चन हमने किया है। एक एग्जाम्पल जो है 12th आप आराम से कर सकती हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब मैं आपको बताने लगी हूँ एग्जाम्पल 13th। अब एग्जाम्पल 13 तो देखो बेटा, क्या वो क्वेश्चन है एग्जाम्पल 13 में। प्रूफ दैट इफ ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स देन सो आर द इवेंट्स ई एंड एफ डैश। वो कहता है ई एंड एफ ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, ठीक है। तो वो कहता है प्रूफ करो ई और एफ डैश भी इंडिपेंडेंट है। जिनको प्रूफ करना होता है ना, उनकी इंटरसेक्शन लेके चलो। तो मैंने स्टार्ट किया प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि इन्हीं को सेपरेट करना है ना। अब आपको पता है कि ये ई इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है। ई माइनस एफ मतलब वो लेना है जिसमें ई है लेकिन एफ वाले एलिमेंट्स ना, है ना, वो देखा जाए तो ये कौन से होते हैं। आपको पता है ये इतना पार्ट, इसे हम ई माइनस एफ कहते हैं। और वो कैसे निकालते हैं, पूरे ई में से एफ निकाल दो ये वाला, ठीक है। तो वो मेरे पास क्या हुआ, प्रोबेबिलिटी ई माइनस ये एफ इतने वाला ना, ये इंटरसेक्शन है ना, तो इंटरसेक्शन निकाल दो। अब ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स है तो मेरे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कर सकते हैं कि नहीं। अब मैं क्या करूं, यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉमन ले लूं, तो मेरे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉमन आया तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ जो है दैट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कॉम्प्लीमेंट, ठीक है जी। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो जहां से इंटरसेक्शन से शुरू हुए वो दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल आ गए तो मेरे पास इवेंट क्या हो गया, इंडिपेंडेंट इवेंट हो गया। ओके जी, यही प्रूफ करना था ना। एनी प्रॉब्लम यहां तक, किसी को कोई प्रॉब्लम बेटा, सबको क्लियर है। चलिए लेट अस डू द नेक्स्ट बेटा मेरे पास। हाँ जी एग्जाम्पल 14th। अब एग्जाम्पल 14th में हम लोग क्या करते हैं, इफ ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स, फिर मुझे दे दिया ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी इज गिवन बाय। प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट वन, अब यहां से बेटा देखना एटलीस्ट वन, एटलीस्ट वन का मतलब क्या है, ए भी आए बी भी आए दोनों भी आ सकते हैं ना, यही है ना। तो क्या करें, इसका मतलब वो यूनियन हो गया। मुझे ये कैलकुलेट करना है, मुझे ये प्रूफ करना है कि प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी की किसके इक्वल है, दैट इज इक्वल टू मेरे पास हो गए 1 माइनस प्रॉबेबिलिटी ऑफ दिस। ये मैंने प्रूफ करनी है, आई नीड टू प्रूफ। कैसे स्टार्ट करेंगे, आपको यूनियन का फॉर्मूला आता है, प्रॉबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रॉबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रॉबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। अब आपको पता है ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो इनकी इंटरसेक्शन मल्टीप्लाई के इक्वल हो जाएगी।
ओके जी। अब क्या करें बेटा, इन दोनों से प्रोबेबिलिटी बी कॉमन आ रही है, क्या निकलेगा? वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अब वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए किसके इक्वल होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है जी। अब मैं क्या करूं, मैं इसको भी चेंज कर सकती हूं क्या? वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, उसका बेनिफिट देखना मुझे क्या होगा, क्योंकि वन तो चाहिए ही चाहिए। अब इन दोनों में से मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट कॉमन ले लू तो मेरे पास क्या बचेगा? देखो बेटा, वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, अंदर क्या बचा? वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और इसकी जगह पे फिर क्या लिख सकती हूँ? एक तरह के प्रूफ क्वेश्चंस हैं, बस हमें पता है हमें कॉमन लेना है और वहां से प्रूफ करना। बात समझ आई बेटा? क्लियर टू एवरीवन? कोई डाउट यहां तक बेटा किसी को? ओके। अब पूरी जो है बेटा 13.2 एक्सरसाइज टोटली इंडिपेंडेंट नॉट इंडिपेंडेंट पर बेस्ड है। इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 14, बहुत इंपॉर्टेंट है, 100% पेपर में ऐसे बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। सबसे पहले तो मैं वही, क्योंकि बाकी आप सम कर सकते हो, किसी में इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं आपको पहले सेकंड क्वेश्चन करती हूँ, एक बीच बीच में से करवाऊंगी जो मुझे लगता है, एक बार डिस्कस कर लो। उसके बाद बेटा जितने क्वेश्चंस बचेंगे यू विल ट्राई इट, आई हैव टू चेक योर कॉपी ऑन मंडे एंड यू हैव टू आस्क मी द प्रॉब्लम। ठीक है बेटा जी। क्वेश्चन नंबर टू मेरे पास। अब देखिए, टू कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम एंड विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बोथ द कार्ड्स आर द ब्लैक। दोनों के दोनों कार्ड ब्लैक है तो क्या करोगे? प्रोबेबिलिटी बी वन बी टू, प्रोबेबिलिटी बी वन इंटू प्रोबेबिलिटी बी टू कैलकुलेट की, प्रोवाइडेड बी वन जो है ऑलरेडी हैपेंड। तो बहुत इजी है, ब्लैक कार्ड 26 होते हैं, ठीक है जी, ओवर टोटल 52 इंटू मेरे पास जो है एक कार्ड ब्लैक निकल गया तो कितना आया? 25/51, काम खत्म। ऐसा ऑलरेडी हम क्वेश्चन कर चुके हैं। ठीक है जी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं यहां तक? चले बेटा आगे। चलिए लेट अस डू द नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास जो है, फिफ्थ क्वेश्चन। ओके, what is mentioned in the fifth question, let us see. A die marked 1 2 3 in red, ठीक है, 4 5 6 in green, let a be the event that the number is even. मुझे पता है a event है कि number जो है वो even है, and b be the event that the number जो है is red in color. उन्होंने कहा है R A and B are independent event. Very easy. मेरे पास हो गए। Probability पहले A की देखो। सबसे पहले even number. Even number मेरे पास हो गए 2 4 6, 3/6. Probability B की red color 3/6, 1/2 1/2, और intersection प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी, यानी इवन भी हो रेड भी हो, इवन भी हो रेड भी हो, वो एक ही नंबर है तो मेरे पास जो है वो 1/6। अब मैं क्या करूं? प्रोबेबिलिटी ए इंटू प्रोबेबिलिटी बी 1/2 इंटू 1/2, आंसर इज 1/4। एनी प्रॉब्लम? तो दैट मींस द इवेंट्स आर नॉट इंडिपेंडेंट। क्यों? क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट इसके इक्वल नहीं है, तो इवेंट जो है मेरे पास इंडिपेंडेंट नहीं है। क्लियर हो गया बेटा सबको? कोई डाउट तो नहीं किसी को भी? चले बेटा आगे।
ठीक है जी। चलिए मेरे पास जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, सारे के सारे ऐसे ही हैं, इवेंट कैलकुलेट करते हैं या अच्छा एक क्वेश्चन नंबर जो है सेवेंथ देखिए। गिवन दैट द इवेंट ए एंड बी आर सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 1/2, यूनियन दी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी पी की दी है। उन्होंने कहा पी की वैल्यू निकालो अगर वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। मैंने आपको पहले भी बताया म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब दोनों की इंटरसेक्शन जीरो के इक्वल, और इंडिपेंडेंट इवेंट्स दैट मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू बी दैट इज इक्वल टू इंटरसेक्शन। यहां से पी की वैल्यू निकल रहा है। ओके क्लियर, चलूं बेटा आगे। नेक्स्ट बेटा मेरे पास जो है क्वेश्चन नंबर नाइन्थ को मार्क कर लो जरा ध्यान से बेटा। इसमें कहा हुआ है इफ ए एंड बी आर द इवेंट्स सच दैट, मेरे पास जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दैट इज 1/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी मेरे पास जो है That is equal to 1/8 मेरे पास। अदरवाइज क्वेश्चन जो है समझना मुश्किल हो जाए। तो उन्होंने मुझे कहा कि फाइंड प्रोबेबिलिटी जो है मेरे पास नॉट ए इंटरसेक्शन नॉट बी। अब बेटा क्लियर कट है मेरे पास। अगर मैं देखूं मेरे पास ए एंड बी ना वो डायरेक्टली नहीं बताया कि इंडिपेंडेंट है, बट क्लियर हो रहा है कैसे, क्लियर कट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दैट इज इक्वल्स टू जो है 1/8 एंड दैट इज इक्वल्स टू 1/4 इंटू 1/2 दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये इसके इक्वल है ना, तो दैट मीन्स ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, डायरेक्टली मेंशन नहीं है। अगर ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो दैट मींस मैं इसका इसको ऐसे ब्रेक कर सकती हूँ, मल्टीप्लाई में लिख सकती हूँ, मल्टीप्लाई में लिख सकती हूँ, तो 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, बस। तो 1 - 1/4 एंड 1 - 1/2 ये आपको पहले प्रूफ करना पड़ेगा ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है जी। चलिए अब मैं क्वेश्चन नंबर आपको 14th कराने लगी हूँ। लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 14th में कैसे करेंगे। उसने कहा प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग स्पेसिफिक प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली बाय ए एंड बी आर 1/2 एंड 1/3। मतलब ए सॉल्व करता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी ये है और बी सॉल्व करता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी ये है। तो दैट मीन्स कि मेरे पास जो है प्रोबेबिलिटी ए 1/2, प्रोबेबिलिटी बी जो है वो 1/3। इफ बोथ ट्राइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली, अगर दोनों प्रॉब्लम को अपना मतलब देखते नहीं है, चाहे दोनों का हो जाए हमें नहीं पता, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट मेरे पास द प्रॉब्लम इज सॉल्व। अब जरा ध्यान से देखना, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए मैंने उसकी प्रॉब्लम प्रोबेबिलिटी निकालनी। सॉल्व कैसे होगी, एक जाना कर दे, ए कर दे, बी ना कर, क्यों मैंने मल्टीप्लाई किया, था ये इंटरसेक्शन ऐसे, बट ये दोनों इवेंट्स इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, मैं नेक्स्ट स्टेप में इसको मल्टीप्लाई में चेंज कर सकूं। अगला ए ना करे बी कर दे, या दोनों के दोनों सॉल्व कर, इसको मैं चेंज कर सकती हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। सारी वैल्यूज पता है, प्रोबेबिलिटी ए की पता है 1/2, नॉट ए की 1 - 1/3, ऐसे ही नॉट ए की 1 - 1/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 1/3, ऐसे ही दोनों का। क्लियर,
समझ आ गया बेटा। नेक्स्ट कहा है, एग्जैक्टली वन ऑफ देम विल सॉल्व द प्रॉब्लम, कोई एक करे, यानी अगर ए कर रहा है तो बी ना करे, बी कर रहा है तो ए ना करे, तो सिर्फ ये पहले दो ऑप्शंस आएंगी, ये वाली नहीं आएगी सेकंड पार्ट में, बस। ऐसे क्वेश्चंस पक्का कई बार केस स्टडी में भी बन जाते हैं और कई बार वैसे भी बन जाते हैं, ठीक है जी, क्लियर, समझ आ गई बेटा सबको। चलो और क्वेश्चन करवाती हूँ, 12th क्वेश्चन देखिए, डाइस इज थ्रोन थ्राइस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर एट लीस्ट वंस, कम से कम वंस जो गए, अब कब से कम वंस का मतलब क्या है हमारे पास, दैट इज पहले तो कम से कम वन का मतलब मैंने आगे भी बताया यूनियन, ऑड नंबर पहले पे, दूसरे पे, तीसरे पे, अगर पहली बार ऑड आ जाए तो उसका जो है मेरे पास दूसरे के आने पे कोई फर्क नहीं पड़ता, दैट मीन्स आए या ना आए डजंट मैटर। हमने अभी एक एग्जांपल किया था कि अगर ए एंड बी जो है वो इंडिपेंडेंट इवेंट है तो प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट वन, मतलब ए यूनियन बी है तो उसको हम वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, मैंने एग्जांपल में प्रूफ किया था, इसी को यूज करेंगे यहाँ पर, वन माइनस प्रोबेबिलिटी जो है वन का डैश, टू का डैश एंड थ्री का डैश, ओके। अब मेरे पास यहाँ पर कैसे वैल्यूज निकालेंगे, दैट इज वन माइनस प्रोबेबिलिटी कि पहला ऑड नंबर आ जाए, वन माइनस प्रोबेबिलिटी सेकेंड ऑड नंबर आ जाए, वन माइनस प्रोबेबिलिटी थर्ड भी ऑड नंबर आ जाए, ओके। ये सारा मल्टीप्लाई, ऑड नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी 3/6 वन बाय टू, तो वन माइनस वन बाय टू, वन बाय टू, वन बाय टू, वन माइनस वन बाय एट, दैट मीन्स 7/8 मेरा आंसर हो गया, ओके बेटा, क्लियर टू एवरीवन, ठीक है जी। ऐसे ही मेरे पास 16th क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, लेट अस सी। इन अ होस्टल मेरे पास जो है 60% ऑफ द स्टूडेंट्स रीड हिंदी न्यूज़पेपर, मेरे पास जो है 60% स्टूडेंट जो है वो हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो दैट मींस कि मेरे पास जो है यहाँ पर हम देखते हैं कि आगे उन्होंने किसकी बात की है, पर पहले हम हिंदी वाले 60%, ठीक है। 40% जो है वो इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ते हैं एंड 20% जो है वो हिंदी इंटरसेक्शन जो है इंग्लिश पढ़ते हैं। अ स्टूडेंट इज सिलेक्टेड एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही रीड्स नाइदर हिंदी नॉर इंग्लिश, ना वो हिंदी पढ़ता है ना वो इंग्लिश पढ़ता है, दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ना वो हिंदी पढ़ता है ना वो इंग्लिश पढ़ता है। अब आपको पता है एंड का मतलब इंटरसेक्शन, अब इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, मेरे पास हो प्रोबेबिलिटी जो है जब आप ये नॉट कॉमन लेते हो बाहर तो इंटरसेक्शन विल चेंज इनटू यूनियन, है ना, बाहर ले लिया ना, अब इसको कैसे करते हो, वन माइनस प्रोबेबिलिटी हिंदी यूनियन इंग्लिश, अब इसका कैसे निकालेंगे, हमने यूनियन की हुई है, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ हिंदी प्रोबेबिलिटी ऑफ इंग्लिश जो गए माइनस बीच में ये प्लस माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एच इंटरसेक्शन, ओके बेटा। अब सारों की वैल्यूज है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हिंदी 60% 60 जो गए मेरे पास ओवर 100, वो सारी वैल्यूज कैलकुलेट कर लो, ठीक है ना, 60 ओवर 100 करोगे तो 2 मेरे पास हो गया 3/5, अगला 40% ओवर 100 2/5, ठीक है, और इंटरसेक्शन तो दी हुई है 20/100 दैट मीन्स 1/5, ओके बेटा, क्लियर, बात समझ आ गई बेटा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को, ठीक है जी।
तो बेटा लास्ट क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है. दिस कंप्लीट्स योर टॉपिक. टुमारो वी विल डू बेस थ्योरम. जितने क्वेश्चन मैंने छोड़े हैं वो एग्जाम्पल पर बेस्ड है. वेरी इजी. दैट इज योर होमवर्क टू कंप्लीट दैट क्वेश्चन. ओके. नेक्स्ट टॉपिक मिस मत करना. मंडे को बेस थ्योरम है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. वी विल डू इट ऑन मंडे. टिल देन बेटा गुड बाय एंड टेक केयर.